गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन. क्लास फर्स्ट, दिस इज़ योर साइंस क्लास, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक आउट योर साइंस बुक. ओके, वेरी गुड. बट टुडे वी आर गोइंग टू डू राइटिंग वर्क. टुडे आवर टास्क इज रिटन टास्क. मेरी सारी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि काइंडली बच्चों के लिए एक रफ़ नोटबुक अरेंज कर लें, जिसमें अपना वो काम जो है वो अटेम्प्ट कर सके एंड थोड़ी सी उनकी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए. जैसे कि आप सबको मालूम है कि बच्चों के नोटबुक चूँकि वो स्कूल में है तो उसमें तो राइटिंग पॉसिबल नहीं है, बट अभी के लिए अगर आप उनको एक रफ़ नोटबुक प्रोवाइड कर लें तो वो उसमें अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि उनकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस जो है वो घर में कंटिन्यू रहे. थैंक यू सो मच. ओके क्लास फर्स्ट, सो टेक एनी रफ नोटबुक ऑफ इंग्लिश एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइंस वर्क इन दैट. ओके क्लास फर्स्ट, क्या करेंगे आप, कोई भी इंग्लिश की रफ नोटबुक निकाल दें 4 लाइन्स की, और जो मैं आपको काम करवा रही हूँ तो वो आप अपने उसमें लिखना है और उससे याद भी करना है. ठीक है, वेरी गुड. ओके क्लास फर्स्ट, तो सबसे पहले आपने पहले पेज में क्या लिखना है, टॉपिक. टॉपिक नेम क्या था, ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी, वेरी गुड. तो अब आपने लिख लिया है इसमें ह्यूमन बॉडी. अब आप दूसरे पेज पे चले जाए. क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैंने लिखा है एग्जैक्टली वैसे आप लोगों ने भी लिखना है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 5 parts of the body that you can see. क्या कहा है कि body के 5 parts के name लिखने हैं जिसको हम देख सकते हैं. आप अपने किसी friend को या अपने sister brother को या अपने mother father को देख ले, आप उसके क्या क्या parts जो है वो देख सकते हैं. हम answer में मैंने लिखा हुआ है eyes, nose, ear, arm and foot. अगर आपको इसके अलावा नेम्स आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, हेड है, लेग्स हैं, नेक है, बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको हम देख सकते हैं, फिंगर हैं, हैंड्स हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं. ठीक है क्लास फर्स्ट, वेरी गुड. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 5 parts ऑफ द बॉडी दैट यू कांट सी. अब हमने 5 ऐसे पार्ट्स लिखने हैं जिसको हम नहीं देख सकते, तो वो आंसर में मैंने क्या लिखा है, स्केलेटन, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज. ठीक है क्लास फर्स्ट. अब आप लोग देख ले कि आप लोगों ने स्काई, ग्रास, रूट लेटर कैसे कैसे लिखने हैं, कौन कौन से लाइन में लिखने हैं. जॉइनिंग हैंड राइटिंग आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और सेम टू सेम ऐसे लिखा है जैसे मैंने लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 parts ऑफ द बॉडी दैट यू कैन सी. आंसर इज आइज, नोज, ईयर, आर्म, फुट. क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 parts ऑफ द बॉडी दैट यू कांट सी. आंसर इज स्केलेटन, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड किडनीज. ओके क्लास फर्स्ट, कोशिश कर ले कि आप लोग इसको लिख ले अच्छे से और याद भी करें. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.